हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। आवर टुडे टॉपिक नेम इज एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या रिलेशन है। हमने इन दोनों के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम एंट्रोपी को ऐसे डिनोट करेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे, W से। अब इन दोनों के बिटवीन रिलेशन निकालने से पहले आपको बता दूं कि एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी आपके पास क्या है, एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी जब वो सब्सटेंस रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज करेगा। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। ये देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हम क्या कहते हैं कि एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इफ द सिस्टम is not in equilibrium then the change in the system will be continue to take place until the state of maximum entropy reached. We are now in the position to relate thermodynamic probability W with thermodynamic system is the macro state of maximum thermodynamic probability. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है किसका, एस एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू का। हम क्या देख रहे हैं कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की दोनों की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोनों के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो इस आइडिया को लीड किया बोल्ट्जमैन ने, उसने क्या सोचा कि इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है एस एंट्रोपी से। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है, और एस आपके पास जो एंट्रोपी है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास W है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है, और जो S एंट्रोपी है वो आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। तो बोल्ट्जमैन ने इन दोनों क्वांटिटी के अंदर रिलेशन फाइंड आउट किया। वो रिलेशन जो वो फाइंड आउट कर रहा है उसको हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए, बोल्ट्जमैन कंक्लूडेड दैट एस इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बोल्ट्जमैन ने क्या किया कि जो आपके पास एंट्रोपी है उसको क्या कंसीडर किया कि दैट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये देखिए, बोल्ट्जमैन ने क्या कहा कि आपके पास, उसने एक बार कंसीडर किया कि जो आपके पास एंट्रोपी, एस इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एस इज़ द फंक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू। ठीक है, और जो टोटल एंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या होगी, एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ द फंक्शन लेट अस कंसीडर टू कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम ए एंड बी हैविंग एंट्रोपी एस वन एंड एस टू। एज एंट्रोपी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी, तो ये दोनों सिस्टम की जो आपके पास एंट्रोपी होगी मस्ट बी इक्वल होगी किसके, सम ऑफ दियर इंडिविजुअल एंट्रोपी के। हमने कोई दो सिस्टम लिए ए और बी, उसकी जो सिस्टम की एंट्रोपीज हैं दैट इज़ एस वन और एस टू, और जो टोटल एंट्रोपी होगी वो किसके इक्वल होगी, एस इज इक्वल टू दी एस वन प्लस एस टू। एंट्रोपी यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम ए इज़ डब्ल्यू वन एंड दैट द सिस्टम बी इज़ इन डब्ल्यू टू।
जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, ए के लिए हमने कंसीडर किया क्या है डब्ल्यू वन और बी के लिए हमने क्या लिया डब्ल्यू टू. तो द प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू इज़ फाइंडिंग बोथ द सिस्टम एट द रिस्पेक्टिव गिवन कंडीशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब हमने क्या कहा कि आपके पास जो सिस्टम हमने लिए हैं ए और बी, उसके अंदर ए के लिए आपके पास जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो क्या है डब्ल्यू वन और बी के लिए क्या है डब्ल्यू टू. अब आपके पास जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है प्रोडक्ट है दोनों आपके पास प्रोबेबिलिटी का. ये आपके पास हमने दो थ्योरम्स की थी एडिटिव थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो ये आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हुई है जो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी दैट इज़ इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी. अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो क्या होगी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन इंटू में डब्ल्यू टू. अब हमने बोला था कि एस इज़ द फंक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू की एंट्रोपी क्या है फंक्शन है किसका थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का. तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं एस इज़ इक्वल टू एफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू. अब आपके पास अगर अलग अलग देखें तो एस वन क्या होगा एफ ऑफ डब्ल्यू वन एंट्रोपी होगी ए सिस्टम की वो किसका फंक्शन होगी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एस टू किसका फंक्शन होगा एफ ऑफ डब्ल्यू टू. अब हमारे पास f ऑफ w1 और w2 की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ w1 प्लस f ऑफ w2. अब देखिए जो ये इक्वेशन है आपके पास थर्ड इक्वेशन आ रही है इसको मैं पहले क्या करूँगी डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू w1. ठीक है अब मैं इस इक्वेशन को जब विद रिस्पेक्ट टू w1 क्या कर रही हूँ डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी डब्ल्यू टू आपके पास क्या है कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा डब्ल्यू टू एफ डैश डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू वन. सिमिलरली इस इक्वेशन थर्ड को हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू डिफ्रेंशिएट करना है. अब जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देखिए ये जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी डब्ल्यू वन एफ डैश डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू टू. जब आप इसको क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू डिफ्रेंशिएट करोगे ये आपके पास एफ डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा ज़ीरो दैट इज़ कॉन्स्टेंट. अब हमने क्या करना है जो इक्वेशन फोर आ रही है उसको डिवाइडेड इक्वेशन फोर बाय फिफ्थ हमने फोर्थ को फिफ्थ से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या होगा देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी एफ डैश डब्ल्यू वन तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा डब्ल्यू टू बाय में डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय एफ डैश डब्ल्यू टू. अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये टर्म बनेगी. ठीक है यहाँ पे इन्होंने एक थर्ड सिस्टम और भी लिया हुआ है अप टू सोन हम एन सिस्टम्स ले सकते हैं तो इन्होंने क्या किया डब्ल्यू वन एफ डैश डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एफ डैश डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू थ्री एफ डैश डब्ल्यू थ्री सोन यहाँ पे आपके पास थ्री आएगा. ठीक है तो आपके पास इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया के के यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ के द वैल्यू ऑफ के क्या होगी आपके पास. ठीक है अब जो मैंने इक्वेशन सिक्स ली है यहाँ से मैं क्या लेती हूँ अगर इसको मैं लिखूँ डब्ल्यू वन एफ डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू के एफ डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा के बाय डब्ल्यू वन अगर मैं डब्ल्यू वन को नीचे ले आऊँ. ठीक है सिमिलरली एफ डैश डब्ल्यू टू की वैल्यू निकालें तो आपके पास एफ डैश डब्ल्यू टू क्या होगा के डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टू. सिमिलरली एफ डैश डब्ल्यू थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी के डिवाइडेड बाय डब्ल्यू थ्री. तो अब आपके पास क्या आया एफ डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू आया के डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन. हमें रिलेशन चाहिए एस और एफ डब्ल्यू के बीच में देखिए यहाँ पे. ठीक है अब आपके पास जो ये फंक्शन आ रहा है एफ डैश का
इसको एफ डब्ल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ डब्ल्यू वन इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू वन प्लस सी वन। सिमिलरली एफ डब्ल्यू टू के लिए क्या हो जाएगी, एफ डैश डब्ल्यू टू के लिए क्या हो जाएगी, एफ डब्ल्यू टू इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू टू प्लस सी टू। ठीक है, और अगर हम जनरल केस की बात करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू, हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू प्लस सी। अब देखिए आपके पास एफ डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, एफ डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल था, एंट्रोपी के। एस हमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर किया था, एस इज़ द फंक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू, ये आपके पास थी टर्म। ये देखिए यहाँ पे अब हमने क्या किया, वो वैल्यू पुट कर दी, एस इज़ इक्वल टू दिस, तो आपके पास जो फंक्शन आया वो क्या आया, एस इज़ इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखिए, वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इज़ चूजन इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो नोन एज नर्नेस्ट हीट थ्योरम। अब हम अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, उसके अंदर क्या था कि एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेंड्स टू ज़ीरो एज टेम्परेचर जीरो। अगर आपके पास टेम्परेचर जीरो है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़ीरो। तो आपके पास देखिए, अगर एस ज़ीरो है, ठीक है, एंट्रोपी ज़ीरो है, देयरफॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम दैट इज़ इक्वल विच इज़ इक्वल टू दी वन, और एस की वैल्यू क्या है, एंट्रोपी क्या है, ज़ीरो। तो आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देती हूँ तो हमारी जो इक्वेशन एट है वो क्या बन जाएगी, एस इज़ इक्वल टू दी एफ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू दी के लॉग डब्ल्यू। अब ये जो आपके पास रिलेशन आया है, दैट इज़ द फाइनल रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये देखिए, दिस इज़ वेल नोन इक्वेशन कनेक्टिंग एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी एंड इज़ नोन एज बोल्ट्समैन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन फॉर एंट्रोपी, के इज़ कॉल्ड एज बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने रिलेशन निकालना है एस और डब्ल्यू में, एस आपके पास क्या है एंट्रोपी एंड डब्ल्यू आपके पास क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमने देखना था कि दोनों की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। उसी रिजल्ट को कंक्लूड करते हुए बोल्ट्जमैन ने ये रिलेशन निकाला है, दैट इज़ रिलेशन इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू दी एफ W is equal to the K log W। अब आपको S पता है एंट्रोपी है एंड W पता है, W आपके पास क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे हमने K को डिस्कस करना है कि व्हाट इज K, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या है K। फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉन्स्टेंट K वी कंसीडर एन इक्विवेलेंट सिचुएशन इन थर्मोडायनेमिक। फॉर दिस लेट अस कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी वन एंड वॉल्यूम वी वन इन टू एन इवेक्यूएटेड चैम्बर ऑफ वॉल्यूम वी टू। द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स क्या होगा, वी वन से वी टू में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ वी वन प्लस वी टू। यहाँ पर हमने कोई टू चैम्बर लिए, फर्स्ट चैम्बर का आपके पास प्रेशर क्या है पी वन और वॉल्यूम क्या है वी वन, और सेकेंड का क्या है पी टू और वॉल्यूम क्या, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी वन प्लस वी टू, एंड लेट द फाइनल प्रेशर क्या है पी टू। नाउ वी फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस गैस अंडर आइसोथर्मल चेंज व्हेन द कंटेनर्स ऑफ वॉल्यूम वी वन एंड वी टू आर कनेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट कंटेनर। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट कंटेनर की, जिसका वॉल्यूम क्या है वी वन। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास फर्स्ट कंटेनर का क्या है वी वन, और फाइनल क्या है वी वन प्लस वी टू। और हमने कहा कि उसके अंदर वन मोल ऑफ गैस है, तो वन मोल ऑफ गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन मॉलिक्यूल्स।
तो प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑफ फाइंडिंग एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी वन क्या होगी, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू दी वी वन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू की पावर एन, क्योंकि ये आपके पास किसके लिए थी, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए थी, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी किसके लिए है, एन मॉलिक्यूल्स के लिए. सिमिलरली हमने द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन मोल ऑफ गैस इन फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम के अंदर आफ्टर एक्सपेंशन जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की वो क्या होगी, W2 टू इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू की पावर n. अब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसल, वन की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, वन. यूजिंग बोल्ट्समैन रिलेशन, ये देखिए आपके पास बोल्ट्समैन रिलेशन आपके पास क्या है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास कितना होगा, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, तो आपके पास वैल्यू क्या है, एस टू माइनस एस वन, के लॉग डब्ल्यू टू माइनस के लॉग ई डब्ल्यू वन. अब आपके पास अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के लॉग डब्ल्यू, क्योंकि दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे टर्म्स, डिवाइडेड में के लॉग ई डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन. डब्ल्यू टू की वैल्यू हमारे पास क्या है थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी की आफ्टर एक्सपेंशन, वन की पावर एन, और हमारे पास डब्ल्यू वन की वैल्यू हमने क्या निकाली है पीछे, दैट इज इक्वल टू दी वी वन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू की पावर एन. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, के लॉग ई वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन की पावर एन. ठीक है, तो हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए जो पावर है उसको हम आगे ले आएंगे, दैट इज इक्वल टू दी एन के लॉग वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन. बट इट इज़ नोन एज अ चेंज इन एंट्रोपी व्हेन द गैस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वी वन से जब वी वन प्लस वी टू एंड टेम्परेचर टी टू इज गिवन बाय दिस. तो हमारे पास जो थर्मोडाइनमिक के अंदर रिलेशन है चेंज इन एंट्रोपी का, वो हमने स्टडी किया हुआ है थर्मोडाइनमिक फिजिक्स में, ये वो हमने क्या स्टडी किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू सी वी लॉग टी टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस आर लॉग ई वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन. अब हमने बोला कि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल. अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है इट मीन्स टेम्परेचर क्या है सेम, टी वन इज इक्वल टू टी टू. अब टी वन इज इक्वल टू टी टू है तो टी वन, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसल, और लॉग वन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है ज़ीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी पूरी की पूरी ज़ीरो. तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू दी आर लॉग वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन. अब जो हमने इक्वेशन नाइन्थ निकाली है ये वाली, और जो ये इक्वेशन है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू है देखिए क्या होगी, यहाँ पे देखिए एन के लॉग वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय वी वन किसके इक्वल है, दोनों को कंपेयर करेंगे आर लॉग वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय वी वन. अब आपके पास ये टर्म्स तो क्या हो जाएंगी कैंसल, और के की जो वैल्यू आएगी एन के इज इक्वल टू क्या आ रहा है आर, के की वैल्यू क्या हो जाएगी आर अपॉन में एन, दैट इज बोल्ट्समैन कांस्टेंट.